गरीब की शादी शशि की सौतेली मां ने उसकी शादी की तो बड़े घर में लेकिन पति कोई काम ना करता आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते हाँ जाऊंगा लेकिन कल से आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ शशि के दो बच्चे होते हैं लेकिन रमेश हाल वैसा का वैसा ही रहता है एक दिन सुनिए ना बच्चा रो रहा है इसके दूध के लिए पैसे नहीं है अरे तो पिताजी से ले लो ना क्यों अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है आ तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा हम चार चार बहने हैं इसका ख्याल रखने के लिए और पिताजी का इतना सारा पैसा तुम्हें किस चीज की कमी रखी है लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है शशि का ससुराल गरीब हो जाता है सब बिकने के बाद शशि अपने पति बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि तुम नौकरी करोगी नहीं 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 करूंगी तो घर कैसे चलेगा बच्चों को भी तो पालना है ना तभी शशि का भाई आ जाता है शशि ये ले राशन का सामान किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना भाई अब मैं नौकरी करूंगी देख बहन वैसे तो मैं तेरे साथ हूं लेकिन हां मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है एक दिन शशि मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं लेकिन प्ले स्कूल नहीं जानती इतने महीनों में तूने जो देखा बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना शशि नीलम के जाने के बाद पूरे एक महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है वाह शशि तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा नीलम बहुत आगे जाने की चाह नहीं है बस ये सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे यही मैं चाहती हूँ शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है अरे भाभी घर में कूलर तो लगा लेती मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है अरे तो शशि कौन सा ए सी लगा कर सो रही है वो भी तो यही रहती है ना मेरे पास ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान न किया करो हाँ हाँ मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना हाँ हाँ जितना बनेगा कर देंगे और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे तभी शशि बोल पड़ती है अरे नहीं नहीं जी, रीटा घर की बेटी है उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला रीटा तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें अच्छा मैं खाना लगाती हूँ शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती बच्चों की ख्वाहिशें भी और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती एक दिन जब शशि का बेटा बारहवीं पास करके आता है माँ अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है ए लड़का देखने में तो बड़ा अच्छा है। अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है अच्छा तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ तू तो यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी, देखो का तो मेरा तुम लोगों से ही है मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है पूरे पांच हजार मिलेंगे <laughs> वैसे करता ही क्या है चपरासी ही तो है ना <laughs> कोई बात नहीं रीटा मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं यह गलत है पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं गड़बड़ है ए मैनेजर क्या करते हो बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं तभी प्रदीप वहां जाता है अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूं अरे बेटा मजाक नहीं जाओ पानी लेकर आओ एक ग्लास प्रदीप मैनेजर को पानी ला कर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है देखिए सर मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है अरे हाँ ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे गुड कान है ये बच्चा तभी मैनेजर बोल पड़ता है अब हमारे यहां अकाउंट में नया आया है ऑडिटर के जाने के बाद वो प्रदीप आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली <laughs> और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी अकाउंटेंट की <laughs> बस फिर क्या था प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी बस चढ़ता ही चला जाता है फिर एक दिन शशि की ननद <laughs> अरे भाभी कैसी हो घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है <laughs> अरे बेटी कैसे आना हुआ तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी कोई खास काम है क्या अब हाँ वो माँ मेरा जो मजला बेटा है ना वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना <laughs> सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है